नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का न्यू वीडियो। ठीक है ना, बहुत टाइम पहले ये सीरीज में स्टार्ट किया था लेकिन अभी तक मैं समाप्त नहीं कर पाया, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो फाइनली मैं यहाँ पे लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ और इसमें सेट से स्टार्ट करने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं रिमूव कर दूंगा और अब वीडियो जो भी आएगा ना उसमें एक वीडियोस में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा। जैसे सेट रहेगा तो उसके टॉपिक के अंदर जितने भी पॉइंट रहने वाले हैं वो सबका सब एक ही वीडियोज में रहेगा, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड नहीं करूंगा उसे, है ना। यानी जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करेगा वो एक साथ आपको समाप्त हो जाएगा वहीं पे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग सेट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज, मैनिपुलेशन एंड इटरेशन। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, तो अ सेट इन पाइथन इज अ कलेक्शन टाइप दैट इज अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इट इज आइडियल फॉर सिचुएशन वेर यू नीड टू इंश्योर यूनिकनेस अमंग द आइटम्स एंड परफॉर्म ऑपरेशन लाइक सेट यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इटीसी। ये सब क्या पॉइंट है ना, इसको हम लोग प्रॉपर एग्जाम्पल से अभी समझते हैं तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अनऑर्डर्ड का, इसका क्या कहने का मतलब है कि द आइटम्स इन अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पीपीटी में समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिस्ट को थोड़ा रिवाइज करते हैं जिससे हमें चलो पता चलेगा कि लिस्ट किस तरह से ऑर्डर्ड है और सेट हमारा किस तरह से अनऑर्डर्ड होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे सपोज सिंबल्स नाम का हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, इसमें कुछ आइटम को हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल स्टॉक्स के नाम हैं, ठीक है ना, सिंबल नेम यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि लिस्ट का जितना भी आइटम होता है वो पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे रिलायंस बोले तो 0 इंडेक्स के ऊपर है, टीसीएस बोले तो 1 के ऊपर है ना। इस तरह से सभी कुछ ना कुछ इंडेक्स के ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है। यानी ये प्रॉपर ऑर्डर्ड में है। यानी अगर हम लोग इसे रन करते हैं कोड में, सपोज आईटी में हमने इसे रन किया, तो अगर प्रिंट इसको करिएगा, कंप्लीट लिस्ट को अगर आप प्रिंट करिएगा तो हमेशा उसी ऑर्डर में आपको प्रिंट आउट मिलेगा। यहाँ पे जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, है ना, एचडीएफसी बैंक हो गया, फिर से सपोज हमने इसे रन किया तो उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा, ठीक है ना। कभी भी इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इसे इंडेक्सिंग करें तो इजिली कर सकते हैं। जैसे हम लोग सिम्बल्स यहाँ पे है और इसको फोर, यानी यहाँ पे ब्रैकेट का हमने यूज किया और इसके अंदर फोर इंडेक्स हमने लिख दिया, जिस इंडेक्स का भी हमें एलिमेंट चाहिए वो हमने लिख दिया। जैसे कि अगर यहाँ पे आप काउंट करके देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, फिफ्थ, ऐसे फिफ्थ एलिमेंट का है यहाँ पे, लेकिन जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है इसलिए हमें यहाँ पे 4 लिखना पड़ा, ठीक है ना। और इससे हम लोग करते हैं तो प्रॉपर हमें यहाँ पे एलिमेंट इसका देखने के लिए मिल गया, जो भी आइटम था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग अब सेट की बात करते हैं, सेट हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। सेम हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया, अब इसमें हम लोग सेट्स को इनिशियलाइज करते हैं। कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ पे लगा दिया, जैसे डिक्शनरी में हम लोग लगाते हैं, डिक्शनरी में हम लोग लेकिन की और वैल्यू पेयर के रूप में वैल्यू को स्टोर करते हैं, की रहता है उसका वैल्यू रहता है, इस तरह से हम लोग उसके सभी आइटम को स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू इस तरह से स्टोर करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें हमने इस तरह से सभी एलिमेंट को प्लेस कर दिया। अब इसका अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो इसमें सपोज किस इंडेक्स पे कौन सा आइटम होगा ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ये किसी भी इंडेक्स के ऊपर हो सकता है, जैसे यही आइटम है दोबारा अगर आप इसको देख रहे होंगे प्रिंट करके तो ये डिफरेंट इंडेक्स के ऊपर दिखेगा। जैसे यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट वाला 2 के ऊपर आ गया, ठीक है ना। अगर इसको आप कोड में रन करेगा, जैसे हमने सिंबल्स यहाँ पे आईडी में रन किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सभी एलिमेंट को हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको अगर प्रिंट किया तो जैसे यहाँ पर रिलायंस देखने को मिला, उसके बाद टीसीएस देखने को मिला, फिर एलटी आ गया, जबकि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है हमारा, ठीक है ना। दोबारा रन करिएगा तो अभी जैसे भारतीय एयरटेल आ गया, तो जितनी बार रन करिएगा आपको अलग अलग यहाँ पे आइटम डिफरेंट ऑर्डर में दिखने वाले हैं। इससे हमें पता चलता है कि सेट क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, ठीक है ना। तो ये बात जरूर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, जैसे हम लोग इसको इंडेक्सिंग करने की अब कोशिश करते हैं, है ना। जैसे अगर आप इसको इंडेक्सिंग करने की कोशिश करें, जैसे फोर्थ एलिमेंट हमें चाहिए यहाँ पे, है ना, तो ये क्या होगा, आपको एरर शो करेगा। क्या एरर शो करेगा, तो टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, ठीक है ना। यानी आप इसको इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमारा ये पहला पॉइंट कंप्लीट होता है कि अनऑर्डर्ड द आइटम इन अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं म्यूटेबल, यू कैन एड और रिमूव आइटम फ्रॉम अ सेट। ये किस तरह से हम लोग को परफॉर्म करना है उसे हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं म्यूटेबल के बारे में, यानी सेट को हम लोग कैसे म्यूटेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमने सिंबल नाम का यहाँ पे सिंबल्स नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें सभी एलिमेंट को हमने इस तरह से पहले से रखा है। इसमें अगर कोई न्यू एलिमेंट हमें ऐड करना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिंबल्स डॉट एड बीपीसीएल को जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया और इसे हमने ऐड कर दिया। अब इसी में मान लीजिए कुछ रिमूव करना है, कोई एलिमेंट पहले से है उसे रिमूव करना है, तो सिंबल्स डॉट रिमूव हमने यहाँ पे
एलिमेंट का नाम रखा और इसे हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है ना। बस इस तरह से ये सिंपल काम करेगा। और इसे अगर हम लोग आईडी में देखें तो सिंबल जैसे है यहाँ पे, और इसके अंदर एलिमेंट है, और यहाँ पे हमने ऐड नाम का हमने मेथड चलाया और फिर से प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह से प्रिंट होकर के यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करिएगा तो बीपीसीएल यहाँ पे सेकंड लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट के रूप में नहीं ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है कि कहाँ पे ऐड होकर के ये रहेगा ये आपका फिक्स यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कंप्लीटली ये अनऑर्डर्ड रहेगा। जैसे कि हम लोग लिस्ट में अपेंड मेथड चलाते हैं तो हमेशा वो लास्ट एलिमेंट के रूप में ऐड होता है, जबकि यहाँ पर वैसा नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे रिमूव भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग symbols dot remove चला रहे हैं और sbin हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो यहाँ पे अब आप देखिएगा तो sbin यहाँ पे रिमूव होकर के मिलेगा, ठीक है ना। और ये कंप्लीट जब प्रिंट होगा तो डिफरेंट ऑर्डर में आपको प्रिंट होकर के देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आप उसे ऐड कर सकते हो एलिमेंट को और रिमूव कर सकते हो। इसका एक और आपको टिप्स बताता हूँ जो कंप्लीट आईडी में रन करके दिखाऊंगा। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं सेट के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं बीपीसीएल ऐड कर रहे हैं और इसको मैं रन करता हूँ तो बीपीसीएल इजिली रन होकर के आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में ऐड होकर के मिल गया, जबकि हम लोग स्लाइड में देखे थे वहाँ पे सेकंड लास्ट एलिमेंट था, ठीक है ना। लेकिन इसी में सेट के बदले अब हम लोग यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऐड कर रहे हैं, सपोज ए है ना, कुछ नंबर ऑफ यहाँ पे आइटम बना, चलिए इतना इसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। लिस्ट हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं इस सेट के अंदर, ठीक है ना। इसको हमने यदि रन किया तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि टाइप एरर आ रहा है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, यानी लिस्ट आप सेट के अंतर्गत नहीं ऐड कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सेट है ना, यहाँ पे लिस्ट ये क्या है, म्यूटेबल है। अगर आपसे यहाँ पे सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड करना होगा तो वो नीचे इम्यूटेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज देखें, क्यों जैसे टपल के रूप में, सॉरी इसी को कर देते हैं ना सिंपल सा, क्योंकि हम लोग जानते हैं टपल क्या है, इम्यूटेबल एलिमेंट है। इसी को हम लोग यहाँ पे टपल को ऐड कर, इसको यदि मैं रन करूँ तो अब देखिएगा तो आराम से ये ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि टपल इम्यूटेबल है। अब यहाँ पे अगर पूछेगा कि इसे रिमूव किस तरह से किया जाए, फिर अगर इसमें ऐड है तो इसे हम लोग रिमूव किस तरह से करें, यानी हमारे पास यहाँ पे रिमूव चलाना पड़ेगा, सिंबल्स डॉट रिमूव। अगर हम लोग यहाँ से रिमूव करना चाहते तो किसे रिमूव किया जाए, इसी को हमें एग्जैक्टली रिमूव करना है ना, तो वही चीज आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। और रिमूव करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा इसे, ठीक है। तो वापस इसको हम लोग रन करते हैं तो अब देखिएगा इस वाले में जैसे यहाँ पे वो ऐड था टपल और इस वाले लिस्ट में वो रिमूव होकर के मिल गया आपको, ठीक है ना। तो ये चीज आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐड करना है ना वो इम्यूटेबल होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको म्यूटेट नहीं किया जा सके। तो इसमें ये पॉइंट था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो डुप्लीकेट्स, इच एलिमेंट इन अ सेट इज यूनिक, इफ यू ट्राई टू ऐड डुप्लीकेट आइटम इट विल नॉट बी एडेड टू द सेट। इसका क्या मतलब है, इसे हम लोग प्रॉपर फिर से स्लाइड में समझते हैं। ओके, तो अब हम लोग देख रहे पाइथन सेट नो डुप्लीकेट्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास यहाँ पे सेट बना हुआ है, इसमें हम लोग एड बीपीसीएल करते हैं, यानी एक न्यू सिंबल को इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हमने ऐड कर दिया। सपोज फिर से अगर हम लोग इसे रन करते हैं एड बीपीसीएल, तो दोबारा इसमें अब ऐड होकर के नहीं मिलेगा, यानी कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो हमेशा यूनिक एलिमेंट रहेंगे, सिमिलर एलिमेंट कभी भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी आपको क्या कहते हैं, फिल्टर करना होगा कि हमारे पास यूनिक एलिमेंट है नहीं, उसे सेट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग इस सेट में दो बीपीसीएल ऐड करने की कोशिश करें, दो बार ऐड करने की कोशिश करें। जैसे सिंबल डॉट ऐड बीपीसीएल, इसको हमने प्रिंट किया, फिर से सिंबल डॉट ऐड बीपीसीएल, इसको हमने फिर से प्रिंट किया। अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर देखिएगा तभी भी एक ही बार यहाँ पे बीपीसीएल, एक सेकेंड इसको देखिएगा तो बीपीसीएल इसमें सिंगल टाइम है, दोनों में दोबारा ऐड नहीं हुआ, हमेशा इसमें यूनिक एलिमेंट ही रहेगा, ठीक है ना। इसका हम लोग अच्छे खासा यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और इसी में दो एलिमेंट ऐड करता हूँ बीपीसीएल, ठीक है ना, बीपीसीएल और एक और बारे से हम लोग क्रिएट करते हैं। सपोज हमारे पास लिस्ट है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सपोज एक और कर देते हैं यहाँ पे sbin भी कर देते हैं, sbin भी यहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। इसमें हम लोग यूनिकनेस फाइंड करना चाहते हैं, यानी यूनिक एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट सेट में कन्वर्ट कर देंगे इसे, ठीक है ना, किसे, सिंबल्स को, ठीक है ना। इसे हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया और इसको यदि आप रन करके यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पे sbin सिंगल टाइम रहेगा और बीपीसीएल भी सिंगल टाइम ही रहेगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देखिएगा तो यू कैन क्रिएट अ सेट बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स और एलिमेंट्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, जैसे हम लोग करते आ रहे थे कर्ली ब्रेसेस के अंदर सभी एलिमेंट को रख रहे थे कॉमा सेपरेटेड,
ठीक है ना, सेपरेटेड बाय कॉमा और बाय यूजिंग द सेट फंक्शन। सेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। अभी हमने देखा सेट फंक्शन का यूज करके आप यहाँ पे जैसे कोई भी एलिमेंट है ना, लिस्ट ऑफ जैसे एलिमेंट है उसको आप सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इस फंक्शन का यूज करके, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कॉमनली यूज मेथड फॉर पाइथन सेट्स, ठीक है ना। तो और से पहले भी देखिए आपके सारे एग्जाम्पल्स भी मैं लिख रखा हूँ, सिंपल सा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे फ्रूट्स नाम का एक यहाँ पे है सेट बना हुआ, ठीक है ना, इसको हमने प्रिंट किया इस तरह से। उसके बाद ऐड हम लोग करते हैं, जैसे अभी हम लोग देखे थे ऐड करने का, ठीक है ना, और भी एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। तो इसमें आपको कहीं पे भी डुप्लीकेट एलिमेंट यहाँ पर नहीं दिखने वाला है, ठीक है ना। और इसका किस ऑर्डर में होगा सबका सब अलग हो सकता है, ठीक है। उसका फिर से हम लोग रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, चेकिंग इफ द एलिमेंट्स इन द सेट, सेट में कोई एलिमेंट है या नहीं वो आप किस तरह से चेक करेगा। तो सिंपल सा इफ चेकिंग इन फ्रूट, है ना, इस तरह से आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। तो इस एग्जांपल को आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर पाइथन सेट्स। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर पाइथन सेट, यानी कौन कौन सा ऐसा मेथड कॉमनली यूज करते हैं। तो सबसे पहला है एड मेथड। ये क्या करता है, तो एक एलिमेंट को एड कर देगा। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी हमारे पास एक सेट अवेलेबल है पहले से, उसके ऊपर कोई एलिमेंट ऐड करना होगा तो सिंपल सा ऐड एलिमेंट हम लोग चला देंगे उस एलिमेंट्स के साथ, यानी उस वैल्यू के साथ, है ना। जैसे हमने यहाँ पे चेरी को ऐड कर दिया। उसके बाद है रिमूव। रिमूव हम एलिमेंट को यानी रिमूव करना चाहते हैं तो हम रिमूव एलिमेंट कर यहाँ पे रिमूव मेथड चला देंगे, है ना। उसके बाद है डिस्कार्ड, क्या करता है, तो रिमूव स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द सेट विदाउट रेजिंग एन एरर इफ द एलिमेंट इज नॉट, यानी अगर आप रिमूव चलाते हैं अगर वहाँ पे वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको एरर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप डिस्कार्ड चलाते हैं तो आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा अगर वो अवेलेबल नहीं है तो। उसके बाद है पॉप, रिमूव एंड रिटर्न्स एन आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम द सेट रेज अ की एरर इफ द सेट इज एम्प्टी, अगर सेट एम्प्टी होगा तो आपको ये एरर शो करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फ्रूट्स डॉट पॉप जैसे करते चलते हैं तो एक एक एलिमेंट आपको वहां से डिलीट होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लियर रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट, यानी सेट का सभी एलिमेंट को अगर रिमूव करना है तो सीधा सा क्लियर आप यहाँ से मेथड रन कर दीजिए। उसके बाद यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट्स क्या करता है, रिटर्न्स अ सेट ऑफ कंटेनिंग द यूनियन ऑफ सेट्स, यानी वैसे एलिमेंट आपको रिटर्न होकर के मिलेगा जो दोनों सेट्स में यहाँ पे अवेलेबल हो। जैसे एप्पल बनाना, चेरी एप्पल यहाँ पे है ना, देखिए आप तो यहाँ से इस दोनों का यूनियन, इन दोनों को एक साथ करने के बाद क्या मिलेगा वो आपको रिटर्न होकर के मिलेगा। जैसे एप्पल बनाना और चेरी ये तीन हमें मिलेगा, ठीक है, जो डुप्लीकेट होगा वो तो आपको नहीं मिलेगा, इन दोनों को मिला करके जो एलिमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे यूनिक हमेशा रहेगा तो जो दो डुप्लीकेट होगा वो तो मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंटरसेक्शन, इसको हम लोग एंड ऑपरेटर से भी और यहाँ पे पाइप ऑपरेटर से भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। यानी उसके बाद देखिएगा इंटरसेक्शन का रिटर्न सेट ऑफ कंटेनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो जैसे सेट वन इंटरसेक्शन सेट टू, यानी दोनों को मिला करके एलिमेंट है जो दोनों में अवेलेबल है, एप्पल दोनों में अवेलेबल है। बाद डिफरेंस, यहाँ पे रिटर्न सेट कंटेनिंग द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, यानी एक सेट में से हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कर देंगे, इन घटा देंगे तो दूसरे सेट में से कौन सा बचेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आप माइनस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सबको आप ट्राई करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं सेट वन माइनस सेट टू, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग रन करते हैं तो बनाना देखने को, जैसे इसमें से ये वाला सेट हमने हटा दिया, यानी ये एप्पल तो यहाँ से क्या तो बनाना, लेकिन अगर सेट टू करते हैं सेट टू माइनस सेट वन, है ना, तो यानी क्या मिलेगा हमें, चेरी मिलेगा यहाँ पे, चेरी मिल गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से काम करता है ये। उसके बाद देखिएगा तो इज सबसेट, इज सबसेट है यानी जैसे देखिए देख हम लोग नया सेट बनाते हैं सेट सिक्स, और उसका सेट वन में देखते ही वो अवेलेबल है या नहीं, यानी ये सेट किसी और सेट्स में अवेलेबल है या नहीं वो हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर सभी एलिमेंट होगा तब इसका और भी एलिमेंट रहता है इसमें, सभी एलिमेंट रहता तो फॉल्स आ जाता। एज सुपर सेट, ठीक है ना, एज सुपर सेट है रिटर्न ट्रू इफ अ सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट, यानी किसी और सेट का सभी एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा उसमें तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। इस सभी एग्जांपल को आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस सीरीज को मैं बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाला हूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।